गाइस जिन लोगों के पास जर्मन शेफर्ड है उनमें से 90% लोगों का सपना होता है कि काश यार हमारे पास भी ब्लैक कलर का जर्मन शेफर्ड होता। वैसे ये सपना आप लोगों का पूरा हो सकता है, वो भी काफी कम प्राइस में, और आप लोगों को ज्यादा कुछ करना भी नहीं, आप लोगों को सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में जो ये जर्मन शेफर्ड है ये आप लोगों को दो अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे, जो है ब्लैक एंड ब्लैक एंड टैन। बाय द वे गाइस, मैं आप लोगों के लिए जितनी भी डॉग्स ब्रीड लेता हूं ऑनेस्टली मैं आप लोगों को उनकी क्वालिटी के बारे में बताता हूं कि भाई क्वालिटी कैसी है। तो अगर इन पपीज की क्वालिटी के बारे में बात करें तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पपीज हाई क्वालिटी में, पपीज नॉर्मल सी पेट क्वालिटी में है और उसी के हिसाब से उन्होंने प्राइस भी रखा है। तो भाई ये एक्सपेक्टेशन रखना तो काफी गलत होगा कि हमें 4-5 हज़ार में 10-15 हज़ार वाली क्वालिटी मिले। बाकी दोस्तों पपीज की जो मदर है उसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के हैं और इनमें आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे, बट जो ब्लैक कलर में है वो फीमेल है। तो मेरे जिन व्यूवर्स का बजट ज्यादा नहीं है, जो इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके डॉग को परचेज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। वैसे गाइस एक चीज मुझे सही लगी कि पपीज जो हैं ये जस्ट 31 डेज के हुए और इसी एज में इन पपीज के यार ईएसबी स्टैंड हो चुके हैं। तो ये जो आप लोग ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये फीमेल है, बट इसके लेग्स पर थोड़े व्हाइट स्पॉट है। वैसे गाइस जर्मन शेफर्ड अपनी फैमिलीज और ओनर्स के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं और काफी प्रोटेक्टिव भी, और इसी वजह से इन्हें एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड माना जाता है। तो जब भी आप लोग जर्मन शेफर्ड को परचेज करो तो उन्हें हमेशा टाइल्स पर ना रखें एंड साथ में उनकी डाइट में कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स जरूर ऐड करें। और गाइस अगर आप लोग पपीज को परचेज करने के बाद उन्हें दूध देना स्टार्ट कर देते हैं तो प्लीज इस चीज को वहीं पर स्टॉप कर दें, क्योंकि इस चीज से डॉग्स की हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता बल्कि उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बाकी गाइस अगर इनके पेरेंट्स के बारे में बात करें तो भाई उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इनके मदर और फादर। जो लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर में है वो है पपीज की मदर और जो राइट साइड में है वो है पपीज के फादर। बाकी जब आप लोग पपीज को परचेज करने जाओगे तो इनकी मदर को लाइव भी देख सकते हो। तो गाइस पपीज की एज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, पपीज 31 डेज के हुए हैं और ओनर की जो लोकेशन है वो है नजफगढ़ दिल्ली एनसीआर से, एंड डिलीवरी के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि ओनर आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, तो इस बारे में आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हो, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो उन्हें जो ब्लैक एंड टैन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 8,000 रुपीज 8,000 रुपए एंड फीमेल की है 6,000 रुपीज यानी 6,000 रुपए। और अगर आप लोग इस ब्लैक कलर की फीमेल को परचेज करना चाहते हो तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है जस्ट 7,000 रुपीज यानी सिर्फ 7,000 रुपए। वैसे डोंट वरी गाइस, प्राइस जो है ये फिक्स नहीं है, प्राइस नेगोशिएबल है, तो इट मीन आप लोगों को इसमें और भी डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप लोग डॉग ओनर से बार्गेनिंग जरूर करें। वैसे आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।